दोस्तों नमस्कार। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति के अंदर संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, और अगर इसके साथ हम ये कहें कि राजनीति के अंदर नित नई संभावनाएं जन्म लेती हैं, वो आकार लेती हैं और फिर वो अपना स्वरूप प्राप्त करती हैं। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कि सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ रहा था कि राज बब्बर फिल्म अभिनेता से नेता बने राज बब्बर अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले दो कदम पीछे लेकर चलते हैं। राज बब्बर महाराष्ट्र से चले, मुंबई के वो फिल्म स्टार हुए, मुंबई की फिल्मी दुनिया फिल्म नगरी के अंदर उनका खूब डंका बजा। उसके बाद में वो राजनीति में उतरे और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कांग्रेस में खूब कई प्रकार के करतब दिखाए। 3 बार लोकसभा के सदस्य बने, 2 बार कांग्रेस से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा बने, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो गांधी परिवार के और कांग्रेस आला कमान के बहुत नज़दीक होते चले गए। उसके बाद राजनीति के नेपथ्य में जाते हुए दिखे भी सही। इस लोकसभा चुनाव के अंदर जब लोकसभा चुनाव की पहली सूची हरियाणा की जारी हुई तो उसके अंदर गुरुग्राम लोकसभा से कैंडिडेट कांग्रेस का कौन होगा वो नाम नहीं था, वो नाम पेंडिंग रखा गया, होल्ड पे रखी गई गुरुग्राम की लोकसभा सीट। लोगों के बीच चर्चाओं के दौर चले, चर्चाएं तो पहले भी चली थी और लेकिन जब होल्ड सीट रखी गई तो फिर और बड़ी चर्चाएं चली, और उन चर्चाओं में मुख्य नाम चला राज बब्बर का। कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पिछला चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 6 बार के विधायक रेवाड़ी के, उन्होंने राज बब्बर का नाम आने पर मखौल भी उड़ाया था, लेकिन कांग्रेस ने राज बब्बर को अपना कैंडिडेट बनाया लोकसभा का। और वो कांग्रेस का फैसला कितना सही था कितना गलत था आप उसे यूं समझ सकते हैं कि मात्र 20 दिन के चुनाव प्रचार के अंदर राज बब्बर ने राजा साहब को यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को पसीने छुड़ा दिए थे। चुनाव तो राव इंद्रजीत सिंह जीत गए, लेकिन वो चुनाव जीतने के अंदर एक तो जो उनका अंतराल था 1.5 लाख, 2 लाख और 4 लाख वोटों का हुआ करता था वो घट करके 5 अंकों में आ गया, लगभग 70,000 वोट से वो चुनाव जीत पाए। और दूसरा ये हुआ कि पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, मतदान के दिन और फिर जब वोटों की गिनती हो रही थी तो राव इंद्रजीत सिंह का ब्लड प्रेशर जरूर ऊपर नीचे होता रहा होगा। चुनाव तो राव इंद्रजीत जीते लेकिन पहले कई चरण तक, पहले कई राउंड में राज बब्बर बड़ी बढ़त बनाए रहे, यानी कि मतगणना के आधे दौर तक राज बब्बर का जो कारवां था वो आगे ही बढ़ता रहा। लेकिन इसके बावजूद चुनाव जीत गए राव इंद्रजीत, और राजनीति के अंदर हो या रणनीति के अंदर हो, जो जीता वही सिकंदर, राज बब्बर चुनाव हार गए। लोगों को लगा था कि राज बब्बर चुनाव हारने के बाद बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, क्योंकि जहां जहां फिल्म स्टार चुनाव लड़ा करते हैं, सिने स्टार चुनाव लड़ते हैं, चाहे आप उसको मेरठ में चुनाव लड़ने वाले अरुण गोविल हो, चाहे अमेठी में चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी हो, चाहे उसके अंदर भोजपुरी स्टार गोरखपुर से लड़ने वाले रवि किशन हो, वो सब लोग अपनी अपनी सीटों से अपने अपने काम धंधे में वापस चले जाते हैं, चुनाव जीत जाएं या हार जाएं। लेकिन राज बब्बर चुनाव हारने के बावजूद गुरुग्राम की सड़कों पर लगे हुए हैं। कल मिलेनियम सिटी में यानी कि गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर वो ज्ञापन देने भी पहुंचे थे, और उसके बाद से लोगों के बीच ये कयासों का दौर है कि क्या राज बब्बर कोई और नई राजनीति करने की तैयारी में है। उनसे पूछ भी लिया खबरनवीसों ने कि क्या अगला पड़ाव विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। जवाब ना हाँ में आया ना में आया, मुस्कुरा दिए। और इस मुस्कुराहट के पीछे दोस्तों कई राज छुपे होते हैं, और तब से ये चर्चा है। मैंने आपको बताया कि मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वेबसाइट पर पढ़ रहा था राज बब्बर के लिए। अब बड़ी चर्चाएं ये हैं कि क्या राज बब्बर हरियाणा की राजनीति में अपना हुनर आजमाएंगे, क्या राज बब्बर हरियाणा की राजनीति के अंदर अब कुछ बड़ा या नया करने की तैयारी में है, ये सवाल चलने शुरू हो गए हैं। चाहे वो मीडिया मेन स्ट्रीम हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे अखबारें हो, तमाम जगह ये खबरें रेंग रही हैं कि क्या राज बब्बर अब विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से किसी नेता को चुनौती देते दिखेंगे। गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए राज बब्बर अगर एक गुरुग्राम और एक बादशाहपुर की विधानसभा सीट छोड़ दें जहां पर वो लाखों लाखों वोट से चुनाव हार गए,
बाकी सभी स्थानों पर मुकाबला कड़ा रहा। और अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि राज बब्बर किसी विधानसभा से, गुरुग्राम लोकसभा की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर नज़र जाने लगी कि आखिर वो कौन सी विधानसभा हो सकती है, ऐसी कौन सी विधानसभा हो सकती है जहां पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट प्रभावी नहीं है, ऐसी कौन सी विधानसभा सीट हो सकती है जहां से राज बब्बर चुनावी पैंतरा खेल सकते हैं। तो गुरुग्राम लोकसभा के अंदर तीन सीटें तो आप मेवात की मान लीजिए, नूह जिले की नूह, फिरोजपुर झिरका और पुनाना, ये तीनों सीटें कांग्रेस के विधायक आज भी हैं और संभवतः वही रिपीट होंगे और या फिर मेव मुस्लिम समाज के ही नेता यहाँ से प्रत्याशी होंगे। पटौदी और बावल ये दोनों सीटें रिजर्व आती हैं, पांच सीटें चली गई, बाकी चार सीट बचती हैं, गुरुग्राम, बादशाहपुर और इसके साथ में रेवाड़ी, ये सीटें जो बाकी बच जाती हैं ये नॉन रिजर्व सीटें हैं, इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तरफ देखा जा सकता है। गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं राज बब्बर और सोना विधानसभा कुछ ऐसा लगता है कि वो भी मुफीद हो सकती है राज बब्बर के लिए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के दोस्तों मुद्दे अलग हुआ करते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुद्दे कुछ अलग भी होंगे। राज बब्बर सेलिब्रिटी हैं ही, अगर मैं गुरुग्राम की बात आपसे पहले कर चलूं तो गुरुग्राम विधानसभा के अंदर कांग्रेस के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रभावशाली चेहरा दिखाई नहीं पड़ता कि जिसको कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए। गुरुग्राम की विधानसभा सीट कभी पंजाबी सीट रही है, धर्मवीर गाबा यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे, यहाँ से सीताराम सिंगला भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे। आजकल सीताराम सिंगला जी के सुपुत्र सुधीर सिंगला आजकल विधायक हैं। जो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करते हैं वो पंकज डावर भी हैं, आशीष दुआ भी हैं, दोनों पंजाबी समाज के नेता हैं। आशीष दुआ हालांकि गुरुग्राम की लोकल राजनीति की बजाय महाराष्ट्र के सह प्रभारी रहते हैं तो वहाँ की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। पंकज डावर भी व्यवसाय में ज़्यादा रहते हैं लेकिन इंटरेस्ट तो राजनीति में रखते हैं। अगर ओरे की बात आएगी तो फिर पंकज डावर का ओरा राज बब्बर वाला तो है नहीं। तीसरे यहाँ पर जो नेता हैं वो जाट समाज से हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं, निर्दलीय विधायक चुने गए थे। अब अगर इन सब को देखें तो उसके बाद में कांग्रेस के लिए राज बब्बर भी एक मुफीद चेहरा बन सकते हैं। अगर अगली सीट में आपसे कहूँ तो मैं आपको सोना का जिक्र कर रहा था। सोना विधानसभा सीट ऐसी है कि जहाँ पर 2009 के चुनाव में जब सोना विधानसभा सीट बनी थी तो यहाँ से चुनाव जीत गए थे आकर के धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो यहाँ पर सोना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बन गए थे। आज के अगर लहजे से देखें तो सोना विधानसभा सीट कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए थे। और अगर लोकसभा के स्तर पर देखें तो लोकसभा स्तर पर इस चुनाव के अंदर यानी कि 2024 में राज बब्बर ने इंद्रजीत सिंह को यहाँ कड़ी टक्कर दी थी। और दोस्तों राज बब्बर को लेकर के एक नई चर्चा और चल पड़ी है। वो नई चर्चा यूं है क्योंकि राज बब्बर कांग्रेस आला कमान के भी बहुत नज़दीक है और लोगों को ये भी लगता है, क्योंकि राजनीति में मैंने आपसे पहले कहा कि संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो अगर टिकट मिलने की संभावना बन सकती है तो क्या कोई और भी संभावना हो सकती है। आंका तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जिस कदर बड़े स्तर पर गुटबाजी है, क्या कांग्रेस उस लिहाज से किसी नए चेहरे की तरफ भी देख सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया 10 साल पहले का प्रयोग था 2014 में पंजाबी मुख्यमंत्री बतौर मनोहर लाल दिए, और अब जब मनोहर लाल जी को रिप्लेस किया, उनको हटाया, तो फिर ओबीसी समाज के, बैकवर्ड समाज के नायब सिंह सैनी को उनके स्थान पर लाया गया। और अगर हम राज बब्बर को लें तो राज बब्बर में दोनों क्वालिटी हैं, वो पंजाबी भी हैं और वो बैकवर्ड भी आ जाते हैं, क्योंकि जो पंजाबी समाज के अंदर वो सुनारा समाज से आते हैं, मैंने आपको अपने लोकसभा के वीडियोज़ में कई बार जिक्र किया था। तो इस लिहाज से जब से राज बब्बर वहाँ सड़कों पर सक्रिय हुए हैं तो कयासों के नए दौर चल पड़े हैं और उन कयासों के अंदर कई अलग अलग प्रकार के मिजाज हैं। वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है कि क्या गुरुग्राम या हरियाणा की राजनीति में राज बब्बर सक्रिय रह सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राज बब्बर की भी कोई भूमिका हो सकती है?
और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।